हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या चीज़ बोलें, क्या बोलें कि जिससे कि हमारी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, इससे जल्दी कोई भी टेक्निक रिजल्ट नहीं देती है। बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है ब्रह्म मुहूर्त में। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं जो कि हमारे काम बनाती हैं, जो कि हमें सफलता दिलाती हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर करने में मदद करती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब इतनी सारी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं हमारे ब्रह्मांड में, तो क्यों ना हम उनसे मदद लें। अगर ऐसा लगता है आपको कि मेरी विश पूरी नहीं होती है, मैंने मंत्र जाप भी कर लिया, मेरी पूजा स्वीकार नहीं होती है, पता नहीं क्या बात हो गई है, मेरी विशेस पूरी नहीं हो रही हैं, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम है, यानी अर्ली मॉर्निंग का टाइम, सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच में, उस समय जो भी मांगे तुरंत मिल जाता है। जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, जो भी आप चाहे मैनिफेस्टेशन करेंगे, आप मंत्र का जाप करेंगे, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं नहा सकते, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मुंह हाथ धो के बैठ जाएं और उसके बाद आपने कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पहले आपने भगवान का स्मरण करना है, ध्यान करना है, उन्हें पुकारना है, ठीक है। बिल्कुल सच्चे मन से भगवान का ध्यान करना है, बिल्कुल मन से, दिल से उन्हें याद करना है, उन्हें पुकारना है, और ये फील करना है जैसे कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं और आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से फील करना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ, बिल्कुल सच्चे मन के साथ भगवान का स्मरण करना है और मंत्र का जाप करना है। मंत्र वैसे आप कोई भी कर सकते हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः भी कर सकते हो, या आप देवी माँ का मंत्र भी जाप कर सकते हो, लेकिन अभी अगर आप जय सिया राम का जाप करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम का 108 बार जाप करेंगे, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी मंत्र कर सकते हैं, जय सिया राम भी कर सकते हैं, तो 108 बार आपने मंत्र जाप करना है, जय सिया राम का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी विश को बोलना है। 11 बार बोल सकते हैं, 21 बार बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं। अपनी विश को बोलना है कि मेरी ये विश पूरी हो रही है, यूनिवर्स को मैसेज देना है। मंत्र जाप करने के बाद, मंत्र जाप करने से आपने शक्तियों को जागृत कर दिया, मंत्रों की शक्तियाँ जागृत हो गई, पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपने एक्टिवेट कर दिया, अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दी। अब आप अपनी विश को बोलेंगे कि मेरी ये विश पूरी हो रही है। कोई भी आपकी विश है, मुझे नौकरी मिल रही है, या लव मैरिज हो रही है, या मेरे पास पैसा आ रहा है, या मुझे जॉब मिल रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है, एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, घर में सुख समृद्धि आ रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है, जैसी भी है, जो भी आपके विश है, आपने प्रेजेंट टेंस में अपनी विश बोलनी है। 11 बार बोल सकते हैं, 21 बार या ज़्यादा, जितनी भी ज़्यादा बार बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी जल्दी आप मैनिफेस्टेशन काम करेगी। अपनी विश को बोलते टाइम आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, आपने ये फील करना है कि मेरी विश सच में पूरी हो रही है, और वही मैसेज आपका यूनिवर्स के पास जाएगा। उस समय आप जैसा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, तो आपका पॉजिटिव मैसेज आगे जाएगा। अगर आप उस समय नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव फील करेंगे, तो आपका मैसेज बहुत टाइम से आगे जाएगा यूनिवर्स के पास, तो टाइम लगेगा अगर आप नेगेटिव सोचेंगे। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपका मैसेज यूनिवर्स के पास जाएगा कि ये विश पूरी हो रही है। और ये डेली करना है, सिर्फ एक दिन नहीं करना, कल ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट करके आप इसको, इस टेक्निक को कम से कम 40 दिनों तक डेली करेंगे, क्योंकि एक दिन कर लेने से कोई भी चीज़ रिजल्ट नहीं देती है। 21 दिन का टाइम लगता है किसी भी उपाय को या किसी भी मंत्र को फल देने में, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है, जब अगर हमारी एनर्जीज बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाए, तो हमें 3 दिन में भी रिजल्ट मिल जाते हैं, कई बार हमें 24 घंटे में भी रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने सच्चे मन से करते हैं, कितनी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, और जब अपनी विश बोलेंगे उस समय पॉजिटिव रहना है, ताकि हमारा पॉजिटिव मैसेज जाएगा यूनिवर्स के पास कि सच में हमारी विश पूरी हो रही है। बहुत जल्दी विश पूरी हो जाएगी, इससे ज़्यादा जल्दी कोई भी टेक्निक रिजल्ट नहीं देती। विदिन 24 आवर्स भी रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि आप मंत्रों का जाप भी कर रहे हो, आप भगवान का ध्यान भी कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर रहे हो, साथ साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी यूज़ कर रहे हो, ताकि आपकी विश जल्दी पूरी हो जाए, आप वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ जो भी आप करना चाहते हो। तो इस तरीके से ये टेक्निक आपने करनी है, डेली करनी है,
पहले मंत्र जाप करना है, उसके बाद आपने अपनी विश को बोलना है, और उसके बाद आपने भगवान का धन्यवाद करना है, यूनिवर्स का धन्यवाद करना है। आप देखेंगे कितनी जल्दी आपकी विश पूरी हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल सच्चे मन से करेंगे, ट्रस्ट के साथ करेंगे, हर चीज़ खुद ब खुद आपके पास आएगी, आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।